हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग ईशानवी एंड मॉमी। तो आज दिन है सोमवार का और ये ब्लॉग है सुबह सुबह का। तो ये बेडशीट आई थी V2 हमारे यहाँ पे मॉल में, अभी ओपन हुआ है तो वहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की थी, तो उसके साथ में बेडशीट फ्री आई थी तो मैंने इसको बिछा दिया। मैंने कहा सोमवार का दिन है तो नया चादर बिछा देते हैं। उसके बाद फिर मैंने और ईशानवी ने मिलकर सफाई करी, मतलब मैंने ही सफाई करी, वो तो सिर्फ बैठी थी। तो पूरे कमरे की क्लीनिंग करी क्योंकि बरसात के टाइम पर ना इतनी सेफ्टी से रखने के बाद भी चीज़ों में सीड़न आ रही है और इतनी अच्छी चीज़ें, उसकी कार भी ख़राब हो रही है बेबी की और बहुत सी चीज़ें मतलब ख़राब हो रही है जिनको सुधरवाना है। अभी पता नहीं घर के अंदर पानी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, के बाद भी कहाँ से ऐसी जंक आ रही है, सीढ़न आ रही है, बहुत अजीब सी। तो उसके लिए मैं सफाई कर रही थी और पूरे घर की डीप क्लीनिंग करी। और जैसे कि पता है कि मेरे हस्बैंड का सोमवार के दिन रेस्ट होता है तो आज उनका रेस्ट है, अभी वो गए हैं लाइब्रेरी, तो यहाँ पर हम लोग सफाई करके रख रहे हैं। फिर हम लोग जाएंगे घूमने के लिए, अब देखते हैं आज भुट्टा खाने के लिए जाते हैं या फिर वाटरफॉल जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वाटरफॉल भी है तो हमारी इच्छा थी आज वाटरफॉल जाने की। अब देखते हैं वाटरफॉल जाते हैं या फिर भुट्टा खाने जाते हैं। बाकी मैंने फेशियल किया था BLCC का पहली बार लाइफ में, उसका रिज़ल्ट आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये है V2 की लोअर और इसमें बैक में ये लगा हुआ है, इसको मैं ज़रूर निकाल दूंगी, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। ये क्यों दिया है मुझे समझ में नहीं आया क्या, पर इसको मैंने तो एकदम चेहरा बिल्कुल खिला खिला सा लग रहा है, बहुत तो अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे लगता है चेहरा बहुत सुंदर लगता है। अभी एक तो ये जब ड्यूटी से आएंगे इनसे पूछूंगी क्यों मैं सुंदर लग रही हूँ क्या, वो तो बोलेंगे कोई सुंदर नहीं लग रही, जैसी लगती है वैसी लग रही है। मॉल जा रहे हो आप? मॉल जाओगे और मॉल में क्या क्या करोगे? मॉल खाना खाओगे। मॉल में खाना खाओगे, ठीक है। और क्या करोगे? और मॉल आइसक्रीम खाऊंगी। आइसक्रीम खाओगे, गॉट इट। और की खाओगी। अच्छा, और आपका नाम क्या है? नाम तो बता दो। हाँ, नाम क्या है आपका? नाम ईशानवी है। ईशानवी है, ईशानवी सिंह है। अच्छा, आपके पापा जी कहाँ गए? पापा चीटू जी। आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा जी। अच्छा, आपको पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि मम्मा ज़्यादा अच्छे लगते हैं? पापा जी। ठीक है, नाना जी अच्छे लगते हैं कि नानी अच्छी लगती? नाना जी। नाना जी, ओहो। छोटे मामा जी अच्छे लगते हैं कि बड़े मामा जी अच्छे लगते हैं? मामा जी अच्छे लगते हैं। अरे वाह यार। और आपको कौन, आपको मामा जी मारते हैं? कौन से वाले, छोटू मामा जी कि बड़े मामा जी? मामा जी मारते हैं आपको? हाँ। कैसे? शिट, सच में ऐसे मारते हैं आपको? हाँ। गन्ने हैं क्या वो? हाँ। अभी उनको अपन डांटते हैं फोन करके। अच्छा बताओ, आपको ये फ्रॉक किसने दिलाई थी, मामा जी ने कि मम्मी ने? मम्मी ने दिलाई थी। अरे यार, अरे वाह। और तुम ते बहुत लाइक सिक्स हमारे है टाइम टेन तो बोलो टेन। अच्छा, A4 क्या होता है? A4 क्या होता है? A4 क्या होता है? A4 एप्पल ना। B4 फेबॉय बाय। B4 क्या होता है? फेबॉय बाय बॉय बॉल, गुड। C4 फेबॉय करें। C4 क्या होता है? फिश बोलो। गुड, फिश आपने देखी है? कहाँ है फिश? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, नानी आपको बुला रहे थे, क्या बोल रहे थे नानी आपसे? क्या बोल रहे थे बताओ जरा बोल के। बुला रहे थे आपको? अच्छा, अच्छा, अच्छा आपको भी जाना है नानी के पास? हाँ। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक हो गई है अब? हाँ। अच्छा, रात में आप रो क्यों रहे थे बेटा? मम्मा जी पापा जी दादा आए।
पापा जी की याद आ रही है? बहुत तेज। पापा जी कॉल करूं? ठीक है पापा जी को कॉल। पर नीचे भी इतना मोटा है। रुक लो टकरने पैर मत रखना, रुको गोद में ले रहे हैं आपको हम। हाँ बस हमको रोड तक छोड़ दो। तो हमको दे दो क्या है बताओ, इसका नाम क्या है? मच्छर है कि चीटा है? लिपो साइड जाओ, आ जाओ साइड जाओ, थोड़ा सा गाय निकल दो। तो फाइनली हम लोग गए भुट्टा खाने के लिए, वाटरफॉल नहीं गए क्योंकि घर में ही 2-3 बज गए थे। फिर हमने सोचा कि अभी जाएंगे वाटरफॉल, जब भी जाएंगे सुबह से निकलेंगे ताकि थोड़ा टाइम मिले और मौसम ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि वाटरफॉल में भी खतरे होते हैं ना किसी भी तरीके के। तो इसीलिए जो है हम लोग भुट्टा खाने के लिए आए, थोड़ा सा दूर लॉन्ग ड्राइव पर गए तीनों और बहुत मस्ती करी हम तीनों ने, बहुत ज़्यादा मस्ती करी और काफ़ी अच्छा लगा हमको। आगे मम्मा पास जाओ लिपू, खाएंगे बना जा। घर में देखूं? हाँ यार, हाथे टूट रहा है। वाह वाह क्या क्या मेरा बाप बोल रहा है। ये भी कड़क है। कौन सा कड़क है? देखो जो छोटी स्काउट की बेबी करी, ये हमने बोल दिया। क्या करने आए हो? नाम बताओ, क्या खाने आए? तो काऊ आगे अपना भुट्टा खा जाएगी। बोलो सही उनसे, बोलो खाओ। नहीं खा रहे? वो गुस्सा हो जाएगी फिर। सही में खा लो यार। टटकना है उसको, कर लो ये लो, ये खिला दो। आपको गाँव को टच करना होगा। ये अपने को समझाता है, खुद को समझाता है। भैया उसको एक राउंड लगा। आ रहे भैया, रुको है। देखो मंकू चार्ज लगे ना, बस हो गए अब तो चार्ज। बैठ जाओ। तो भुट्टा खाने के बाद हम दोनों माँ बेटी आ गए मॉल में आइसक्रीम खाने के लिए और कार में एक राउंड लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके बाद घर जाएंगे, फिर से एक बार मॉल आएंगे।
यार, अपन इतना वो भी नहीं रख सकते ना, एक यहाँ रख लेता हूँ। इसलिए तरीका है तो सर्व करने का, ताकि ये लकड़ी ही है। सीरियस चलो तुम आम डालो, चिली वगैरह जो तुमको खाना है। हाँ अच्छा, पिला कैप्सिकम डाल देना, कैप्सिकम के बिना पिज्जा बनता ही नहीं है ना। हाँ टमाटर लेना, तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, वीकेंड का जो भी दिन होता है हमारा, वीकेंड तो सोमवार के दिन ही होता है, तो काफ़ी अच्छा हमारा दिन गुजरता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ज़रूर घूमने के लिए जाते हैं, चाहे लंबा कहीं घूमने जाए, चाहे कहीं आसपास ही जाए, पर ज़रूर जाते हैं। क्योंकि घर ही घर में क्या होता है कि कई बार अब एक बच्चे के साथ मेरा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मोस्टली टाइम हो ही जाता है, कितने ही अच्छे से रह लो, कितने ही प्यार से रह लो, लेकिन कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो ही जाती है घर में, जो है थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि यार थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाओ। तो इसीलिए जो है आज सोमवार का दिन था, पहले सबसे पहले हम लोग पूजा करने के लिए गए थे मंदिर, वो सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, और क्योंकि मुझे मंदिर वगैरह मोबाइल मतलब नहीं यूज़ करना अच्छा लगता है, कभी कभार मंदिर जाते और उसमें अगर मोबाइल लेकर जाऊँ तो फीलिंग नहीं आती है। तो पहले हम मंदिर गए थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने घर की सफाई करी, भुट्टा खाया और घर खाने गए, उसके बाद फिर घर पे आके फिर घर की सफाई करी, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, एक्वेरियम वगैरह साफ करना था, वो सब किया, एंड देन लास्ट में फिर हम लोग शाम को एक बार मॉल आते हैं सोने से पहले। और वो पिज़्ज़ा खाने के लिए हम लोग आए नहीं थे एक्चुअली, वो ऐसा हो गया कि बच्ची को उसने देख लिया किसी और को खाते हुए, तो उसको मन हो गया, क्योंकि वैसे भी पिज़्ज़ा हम लोग खाते नहीं हैं, मैंने तो पिज़्ज़ा कभी खाया ही नहीं है, बहुत ही कम, मतलब मैंने तो आखिरी बार पिज़्ज़ा खाया था 4-5 साल पहले, और वो भी पहली बार था, और अब ये खा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा, इसे नहीं खाती हूँ ना, मैंने आज तक कभी बर्गर ही नहीं खाया, तो हम लोग ये चीज़ों से दूर ही रहते हैं, पर उसको लगा कि खाना है तो फिर वो पीछे पड़ गई, तो फिर मैंने इसलिए एक स्लाइड मैंने लिया था सिर्फ, बाकी का तीनों इन लोगों ने मिलके खा लिया दोनों ने। और बस इसके बाद फिर हम लोग सो रहे हैं, और ये ब्लॉग मैं अभी रात में एडिट कर रही हूँ 10:30 बजे। बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बस इसके बाद अब आपको मिलेंगे राखी के ब्लॉग देखने के लिए, राखी की शॉपिंग का ब्लॉग मिलेगा आपको देखने के लिए, मैं इस बार कुछ अलग कोशिश कर रही हूँ राखी मनाने की, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा ब्लॉग्स में। तो अब बस राखी के ब्लॉग आएंगे 4-5-6, पहले मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँगी, फिर मम्मी के पास जाके मम्मी के लिए शॉपिंग करूँगी, फिर मम्मी से मेरे लिए शॉपिंग करवाऊँगी, फिर शानवी के लिए, मतलब अभी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, देन आपको मिलेंगे राखी के अच्छे ब्लॉग। और इस बार मैं कुछ अलग पहनना चाहती हूँ राखी पे, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा, और खुद ही बनाऊँगी ऑफकोर्स, मुझे मार्केट की चीज़ें पसंद नहीं आती। बाकी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लिपू से गुड नाइट, गुड नाइट, तेज बोलो गुड नाइट, गुड नाइट। चलिए ठीक है, ब्लॉग का एंड करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट। एंड आप लोग कैसे राखी बना रहे हो, आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड बाय।